प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, किस स्टॉक पर नजर? जी अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे कल जो ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ था ऑटो सेक्टर में, वो स्टॉक था एस्कॉर्ट्स और करीबन 4000 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिख रहा है और हम करीबन यहाँ पे अगर देखें तो 4200 से लेके 4250 के टारगेट रख सकते हैं और 3950 का स्टॉप लॉस है। सावन साहब क्विकली, एनसीसी लिमिटेड जहां पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने माल छोड़ा, तगड़ा चंग छोड़ा, लेकिन ये दूसरा इंस्टेंस है इस हफ्ते, इससे पहले छोड़ा था स्टॉक फट गया था, स्टॉक में अपने आप रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या करूं? तो आशीष जी ये एक बड़े रेजिस्टेंस पे है जो कि करीबन 320 पे कल भी वहां से ही सेलिंग आई थी, तो मैं एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग्स है उनको एक क्लियर सलाह दूंगा कि आप 300 पे या थोड़ा नीचे 295-298 जोन पे स्टॉप लॉस रख के बने रहे। जब तक ये जोन इंटैक्ट है मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, सिर्फ इसके नीचे क्लोज हो तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। प्रशांत आपका ट्रेड? वीरू जी गुड मॉर्निंग, यहाँ पे एबर्ट इंडिया मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है और एक नैरो रेंज में जहां से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 26740 और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 27800 से लेकर 28000। प्रशांत मैं आपसे पूछूं अगर कि एक बार देखिए आप मेरिको की प्लेसमेंट, ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। मेरिको ऑलमोस्ट ये एक बड़े टाइम फ्रेम के, मतलब मेरिको को अगर मैं रीड करूँ ना तो फरवरी 2020 से लेके अब तक की जो पैटर्न है वो एक टिपिकल मल्टी ईयर फ्लैग है। इस ब्रेकआउट को आप कैसे रीड कर रहे हैं और मेरिको पे आपका टेक? जी वीरू जी बिल्कुल वैलिड ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है सस्टेन करेगा जो कल का लो बना हुआ था करीबन 625, मुझे लग रहा है इसको स्टॉप लॉस रख के अभी इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है और आपके टारगेट्स होने चाहिए फर्स्ट ऑब्वियसली जो स्विंग हाई परसों बना हुआ था जो करीबन 670 का, बट मुझे लग रहा है ये मुंह देख के कि ये कम से कम 685-690 तक कंफर्टेबली जा सकता है, तो बिल्कुल पोजीशन लेनी चाहिए। प्रशांत जी चार्ट देखा है क्या इसका रैमको सीमेंट का? जी अनुज जी यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जिस लेवल पे आया है ऑलमोस्ट 810 ये बहुत क्रुशियल लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करें मुझे लग रहा है स्ट्रेट आप जो 200 दिनों की एवरेज है 850-60 उसको टारगेट रख सकते हो। दूसरी बात जो कल का वॉल्यूम है बहुत स्ट्रांग है तो ये ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है, तो पोजीशन बनाई जा सकती है 795 स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो 200 दिनों की एवरेज है 850-55 उसको रख के चले। प्रशांत जी कोई व्यू बर्जर पेंट्स पर? जी अनुज जी दरअसल ये स्टॉक में ट्रैक कर रहा हूँ और एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, अभी तक मैं कन्विक्शन आ नहीं रहा है क्योंकि ये बार बार लोअर टॉप बना रहा है, 20 दिनों को रिजेक्ट कर रहा है, तो मेरी सलाह इस पे ये होगी कि इसको एक बार 490 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, करीबन 480 पे ट्रेड कर रहा है, 490 के ऊपर क्लोज हो डेफिनेटली बाय करना चाहिए क्योंकि डाइवर्जेंसेस नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है, 490 क्लोज के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे 475 और टारगेट होगा 525।